ये जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं ये पूरा डेस्कटॉप है, और ये आपके फोल्डर्स और एप्लीकेशन है, आइकन है जिसे आपको आइकन कहा जाता है, और ये विंडो स्टार्ट बटन है। इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप सारे प्रोग्राम जो भी कंप्यूटर के अंदर हैं वो आप रन कर सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं वर्ड, तो वर्ड हमने ओपन कर रखा है, इसे हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ये मिनिमाइज बटन और ये रीस्टोर बटन या क्लोज, यहाँ पे दो बटन आपको दिख पा रहे हैं, ये रीस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों के लिए है। ये आप देख पा रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये मेनू है, मेनू जो है इसमें रिबन की तरह खुल के आता है। ये वर्ड है, तो यहाँ पे हम एक लाइन टाइप करेंगे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लिटिल लेजी डॉग। यह एक लाइन है जिसमें ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट करेक्टर आते हैं। ये आप डेली टाइप करते हैं तो आपका अल्फाबेट करेक्टर जो है आपकी उंगलियों को रीड हो जाती है, जिसे आपको टाइपिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, जो कि आप बिना देखे टाइपिंग कर सकते हैं डेली आप एक घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट या लाइन या वर्ड या पैराग्राफ को सिलेक्ट करना जरूरी होता है, तभी उस पर फॉर्मेटिंग हो पाती है। जैसे ये है बोल्ड का आइकन है, ये हल्का सा बोल्ड जो टेक्स्ट होता है वो हल्का गाढ़ा दिखने लगता है। और ये इटैलिक दिया हुआ है, इटैलिक से हल्का सा जो टेक्स्ट है ये लाइन जो भी सिलेक्टेड है वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा, और ये अंडरलाइन है जो कि नीचे एक आपकी अंडरलाइन बन के आ जाएगी। और ये है स्ट्रिक्ट थ्रू आउट, जो कि किसी वर्ड या टेक्स्ट को कट करके दिखाना होता है, इसका यूज़ अलग अलग जगहों पे होता है। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है सेल्स की जगह पे, जैसे आप कहीं भी देखे होंगे। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, इसको कट करके दिखाना हो 100 हटा देते हैं इटैलिक हटा दें, और इसको कट करके दिखाना हो हमें तो इस तरह से आप दिखा पाएंगे। कि पहले का क्या प्राइस था और अब क्या हो गया है, तो यहाँ हम 80 कर देते हैं। इस तरह से आप इसका यूज होता है। और यहाँ पे आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिक करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग हो गई हो, यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्मेट हटा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं सारी फॉर्मेट। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा, और डिलीट को वापस करने के लिए कंट्रोल जेड पे क्लिक करेंगे, वो आपका वापस आ जाएगा। हम चाहते हैं कि एक लाइन टाइप किया हुआ है उसको एक पैराग्राफ बनाना, तो इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कर्सर को क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट पे क्लिक करना होगा। ऐसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे, ये आपका पैराग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। नीचे लाइन आ रही है, यहाँ से क्लिक करके
डिलीट प्रेस करेंगे तो वो लाइन आपकी नीचे ऊपर आ जाएगी। इन सब में स्पेस दे देते हैं, ये रेड रेड सा आ रहा है क्योंकि वर्ड जो है यहाँ पे गलत है, इसलिए जब इसे आप सही कर देंगे तो ये आपका रेड हट जाएगा। यहाँ से आप सेंटेंस केस है जो स्टार्ट का जो टी है वो आपका कैपिटल है, बाकी सारे छोटे हैं, और यहाँ से आपका लोअर यानी सारे छोटे अक्षरों में हो जाएंगे और अपर में सारे कैपिटल हो जाएंगे वर्ड जो भी सिलेक्टेड है, और कैपिटल ईच वर्ड, सारे वर्ड के पहले अक्षर जो हैं सारे कैपिटल हैं। और यहाँ पे जो है टॉगल के फर्स्ट जो लेटर है वो आपका छोटा हो जाएगा, बाकी सारे बड़े रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके लिखते हैं तो आपको कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो आपको सारे कैरेक्टर्स छोटे लेटर में टाइप में होंगे, कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो सारे कैरेक्टर बड़े लेटर में टाइप होंगे। लेकिन आप किसी में भी टाइप करें, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट या लाइन को क्लिक करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे, और यहाँ से टेक्स्ट की लाइन को और यहाँ से आप वर्ड आर्ट बना सकते हैं। बने बनाए पहले से फॉर्मेट है यहाँ पे, तो ये वर्ड आर्ट की तरह है जो दिखने लगेगा। से आप थोड़ा सा बड़ा कर पाएंगे तब आपको अच्छे से दिख पाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नोट्स और पीडीएफ भी बना सकते हैं। आगे पॉइंट में कवर करेंगे क्लिपबोर्ड पैराग्राफ। आज के इस वीडियो में बस आज इतना है।